हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाया जा रहा है और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवा करके एक ओर महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कराया जा रहा है, वहीं 33% रिजर्वेशन देकर के उन्हें सरकारी नौकरियों में भी उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, तो खेलो इंडिया के नाम पर हर यूथ को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। फिशरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज पूर्वोत्तर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM बन रहे हैं, पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। यह तब संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने अपने राज्यों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय हम सबके पास है और आपने सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। भारी विजय बनाने के लिए फिर मैं अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया, मजलिशपुर में विकास की हर योजना को लाने का कार्य उन्होंने विगत 5 वर्ष के अंदर किया, कनेक्टिविटी को, आवास योजना को, किसान सम्मान निधि को, स्कॉलरशिप को, हर एक तबके के लिए कोई ना कोई योजना मजलिशपुर में आई जो पहले भेदभाव का शिकार हो जाती थी, जिसके नाम पर कम्युनिस्ट लूट खसोट करते थे, आज यहां पर किसी भी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है, एक नया मॉडल विकास का आपको उपलब्ध हो रहा है और इसी के लिए आज अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि विगत वर्ष भी मैं आया था तब भी मैंने श्री सुशांत चौधरी को कहा था भारी बहुमत से आप विजयी होंगे और विजयी बने थे, आपने विजयी बनाया था और मैं आज फिर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, श्री सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, सभी लोग सहमत हैं।